बेटी का साहस, एक नई शुरुआत, अशोक भाई ने घर में पैर रखा। अरे सुनती हो? आवाज सुनते ही अशोक भाई की पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई और बोली, अपनी बिटिया का रिश्ता आया है। अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है, लड़के का नाम युवराज है, बैंक में काम करता है, बस बेटी हां कह दे तो सगाई कर देते हैं। बेटी उनकी एकमात्र लड़की थी, घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभार अशोक भाई की सिगरेट ऑफ पान मसाले के कारण उनकी पत्नी और बेटी के साथ कहां सुनी हो जाती थी, लेकिन अशोक भाई मजाक में टाल देते थे। बेटी खूब समझदार और संस्कारी थी, SSC पास करके ट्यूशन और सिलाई आदि करके पिता की मदद करने की कोशिश करती रहती थी। अब तो बेटी ग्रेजुएट हो गई थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन अशोक भाई उसकी पगार में से एक रुपया भी नहीं लेते थे। रोज कहते थे, बेटी यह पगार तेरे पास रख, तेरे भविष्य में तेरे काम आएगी। दोनों घरों की सहमति से बेटी और युवराज की सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया गया। अब शादी के 15 दिन और बाकी थे। अशोक भाई ने बेटी को पास में बिठाया और कहा, बेटा तेरे ससुर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा दहेज में कुछ नहीं लेंगे, ना रुपए ना गहने और ना ही कोई और चीज, तो बेटा तेरे शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं, ये 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूं, तेरे भविष्य में काम आएंगे, तू तेरे खाते में जमा करा देना। ठीक है पापा, बेटी छोटा सा जवाब देकर अपने रूम में चली गई। समय को जाते कहां देर लगती है। 2 महीने पहले शुभ दिन बारात आंगन में आई, पंडित जी ने छवरी में विवाह विधि शुरू की। फेरे का समय आया, कोयल जैसे कुहू की हो ऐसे बेटी 2 शब्दों में बोली, रुको पंडित जी, मुझे आप सबकी उपस्थिति में अपने पापा से बात करनी है। पापा आपने मुझे लाड प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया, इसका कर्ज तो चुका सकती नहीं, लेकिन युवराज और मेरे ससुर जी की सहमति से आपका दिया 2 लाख रुपए का चेक मैं वापस देती हूं। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए लिए हुए उधार वापस दे देना और दूसरा चेक 3 लाख जो मैंने अपनी पगार में से बचत की है, जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तब भी इतना तो करता ना, वहां पर सभी की नजर बेटी पर थी। पापा अब मैं आपसे जो दहेज में मांगू वह दोगे? अशोक भाई भारी आवाज में, हां बेटा, इतना ही बोल सके। तो पापा मुझे वचन दो, आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, तबाकू पान मसाले का व्यसन आज से छोड़ दोगे, सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूँ, लड़की का बाप मना कैसे करता। शादी में लड़की की विदाई समय कन्या पक्ष को रोते देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों में भी आंसुओं की धारा बह रही थी। वे दूर से उस बेटी को लक्ष्मी रूप में देख रहे थे, रुपयों का लिफाफा अपनी पर्स से नहीं निकाल पा रहे थे। साक्षात लक्ष्मी को कैसे लक्ष्मी दें? लेकिन भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को इस जैसी लक्ष्मी मिलेगी क्या? दोस्तों यह कहानी एक गहरे सोच और समझदारी की ओर इशारा करती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समाज में दहेज और भ्रूण हत्या जैसे कुरीतियों का समापन करना आवश्यक है। बेटियों को लक्ष्मी के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज में उनके पोटेंशियल के हिसाब से समर्थन देना चाहिए।